में एक्सप्रेस वे के निर्माण पर लापरवाही के मामले में सदन में बड़ी कार्यवाही हुई है। सदन में मामला उठने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री ने 6 अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की। इसके साथ ही मंत्री ने कंसल्टेंट से 1.18 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया, जिसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस कार्यवाही की घोषणा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा मामला उठाए जाने पर की गई है। आपको बता दें कि एक्सप्रेस वे की घटिया निर्माण को लेकर शासन ने जांच कमेटी का भी गठन किया था। जांच में कई खामियां पाई गई थी। एक्सप्रेस वे में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आज विधानसभा की सदन में बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें लिप्त 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, साथ ही कंसल्टेंट जो कंपनी थी उनसे रिकवरी के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेजा गया है। जब ये भ्रष्टाचार का उजागर हुआ तो बहुत हो हल्ला हुआ, उसके बाद सरकार ने इस मामले पे संज्ञान लिया। उसके बाद इसमें जांच कमेटी बैठाई गई, 2-3 तरह की जांच कमेटी को हटाने के बाद 4थे नंबर की जो जांच कमेटी थी उनने अपना रिपोर्ट सौंपा। उसके बाद रिपोर्ट का अध्ययन जारी है। हर बार मंत्रियों से पूछा गया कि रिपोर्ट सौंपने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, तो मंत्रियों से सिर्फ यही हर जवाब मिलता था कि रिपोर्ट का अध्ययन जारी है। लेकिन आज विधानसभा सत्र में लोरमी विधायक धर्मजीत के द्वारा ये प्रश्न उठाया गया, जिसके प्रश्न का जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 6 अधिकारियों को निलंबित किया है, साथ ही कंसल्टेंट जो कंपनी है उसको रिकवरी नोटिस भेजा गया है। इस कार्यवाही को लेकर अभी हंगामा मचा हुआ है। अधिकारियों खेमे में देखें तो हंगामा का माहौल है। फिलहाल अभी 6 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, आगे और किन किन पर कार्रवाई होती है। हालांकि मंत्रियों ने कहा है कि अभी रिपोर्ट का अध्ययन जारी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। ग्वालियर में एंटी